इस वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का मैप पॉइंटिंग सॉल्व कराऊंगा। तो इस मैप पॉइंटिंग में हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया से हम लोग आज ज्योग्राफी का मैप पॉइंटिंग को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग को जो है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो मैप पॉइंटिंग में जो भी क्वेश्चन को दिया गया था, तो उसको देखेंगे हम लोग। हमने पिछले साल जो है जो भी क्वेश्चन बताए थे मैप पॉइंटिंग के लिए, वो सारे क्वेश्चन जो है आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो माउंटेन है उनमें से सबसे पहले माउंटेन जो है वो नीलगिरी माउंटेन है। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट बताया था मैंने पिछले साल, ये आ चुका है। रिवर ताप्ती, ये आ गया है रिवर्स में से। इसके बाद लेक में से आया है लोकटक लेक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वन रेन सेड एरिया, दूसरा पॉइंट है वन डिजर्ट सॉइल एरिया, इसके बाद है वन वेट प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वन आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल, वन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ साउथ इंडिया और मुंबई। ये सारी टॉपिक जो है ये हम लोग को 2024 में ये नजर रखना है कि 2024 में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर 2023 में ये सारे क्वेश्चंस को दे दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसको छोड़कर जो सारे बचेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज मैंने एक टॉपिक को चुना है, वो है लेक्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आज मैं आप लोगों को रिवर्स और लेक्स के बारे में ही आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को जो है सॉल्यूशन मैप चाहिए पीडीएफ में, तो आप लोग जो है मैं आपको ये नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप लोग जो है ओनली 10 रुपीज जो है सेंड कीजिएगा और आपको पीडीएफ आपके पास चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेक्स को इंडिकेट करते हैं मैप में, देख सकते हैं आप लोग। तो ये पोलिकेट लेक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस जगह को आप लोग पोलिकेट और लेक इंडिकेट करेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग चिल्का लेक को इंडिकेट करेंगे, ये जो है ये चिल्का लेक है, यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं आप चिल्का लेक को, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट लेक है कश्मीर में है, उलर और डल लेक। ये लेक जो है ये उलर लेक है, ये उलर लेक है, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं उलर लेक को। इसके बाद आप लोग अगर डल लेक को इंडिकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिकेट करना है डल। ये दोनों लेक कश्मीर में है। लेक में इस बार हम लोग का जो आया है वो लोकटक लेक है। तो लेक्स में एक और इंपॉर्टेंट लेक को बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये लेक, ये इंडिकेट करेंगे सांबर लेक को, सांबर लेक, ठीक है, कराऊंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये कोलिरो लेक है, कोलिरो लेक, ठीक है। तो लेक में यहाँ पे जो भी मैंने इंपोर्टेंट बताया आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आप लोग अब जो है हम लोग जो है जो रिवर्स ऑफ इंडिया है उस पर थोड़ा नजर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी, इसको आप लोग शो कराएंगे दामोदर रिवर, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल जिस नदी को कहा जाता है, ठीक है, ये है दामोदर रिवर। गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे आप लोग। इसके बाद जो हम लोग कृष्णा नदी को दिखाएंगे, दैट इज कृष्णा रिवर, यह है कृष्णा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, इसको शो करेंगे हम लोग नर्मदा रिवर। ठीक है, ये नर्मदा रिवर आप लोग शो कराएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग सरस्वती रिवर को इंडिकेट करेंगे, सरस्वती रिवर, ठीक है, इसको सरस्वती रिवर इंडिकेट करेंगे यहाँ पे मैप में। आप लोग भी जो है एक सिंपल मैप लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं सही से। तो अगर आप लोग को इसका जो है सॉल्यूशन मैप चाहिए, सबको मैंने उस पीडीएफ में शो कराया है, ठीक है। आप लोग अगर इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप लोग ओनली 10 रुपीज पे कीजिएगा, ठीक है, आपको सॉल्यूशन मैप मिल जाएंगे यहाँ पे। चलिए इनलैंड रिवर है इंडिया का राजस्थान में, लूनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया का।
सतलज रिवर को यहां पे आप लोग दिखा सकते हैं, सतलज। महानदी को यहां पे शो कराएंगे, महानदी। ठीक, कृष्णा नदी को यहां दिखाएंगे, कृष्णा नदी। ब्रह्मपुत्र को यहां से आप लोग दिखा सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र। थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो सकता है मैप में, ठीक है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। कोसी रिवर ये जो है, ये आप लोगों का कोसी रिवर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंडस रिवर को दिखाएंगे, इंडस रिवर। तो यहां तक मैंने आप लोग सारे रिवर्स और इंपॉर्टेंट जो लेक्स होता है इंडिया का, मैंने आप लोगों को शो कराया, इंडिकेट कराया। तो थैंक यू, टाटा।